एक्सपोर्टर को भी पता है कि यार ये तो हम थोड़ा और रोकेंगे तो और हमें पैसे मिल जाएंगे, तो वो यही कर रहा है। तो इसको हमें, जो हमारा जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक है, इसको चाहिए कि ये बैंकों को बुलाए और उसको कहे कि ये नहीं चलेगा, और कोई तरीक़ाकार इसके ऊपर करें ना जी, कि कुछ रिलीज कर दिया करें, कुछ बैंकों को कहें आप पूल कर लें, कोई तो अक्ल लड़ाए ना इसके ऊपर यार। पर अदरवाइज तो ये तो कल को, अभी आपको मैं बताऊं, आज आज एक डील जो हुई है 242 में भी हुई है, ठीक है जी। तो और ये इंटरबैंक, तो मैं ये चाहूँगा कि देखो ये हमारा मुल्क है, हम भी चाहेंगे कि किसी तरीके से हम हेल्प करें, अगर ये हमारे साथ कोई मशावरत करना चाहते हैं मेरे साथ या किसी के, वो भी हम करने को तैयार हैं। इस वक्त जितने भी रेट बढ़ेगा वो हमारी महंगाई को बढ़ाएगा, हमारे जो डेट है उसको बढ़ाएगा जी। तो सर, कल एक इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है स्टेट बैंक ने रात को, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, और ये इस मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की खूबसूरती है, उन्होंने उसमें ये भी वर्ड जो है यूज़ किया है। तो एक तरह से ये कि उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि डॉलर जो है वो अगेंस्ट तमाम इंटरनेशनल जो मेजर करेंसी हैं उनके अगेंस्ट अप्रिशिएट हुआ है। देखें, अब मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए। स्टेट बैंक ने ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, देखो जी एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है कि आपकी जो करेंसी दूसरी करेंसीज के दरमियान में जो इन्फ्लेशन होती है उसको इक्वलाइज करता है। वरना देखें, आपकी चीज़ 100 रुपये की है, आपकी इन्फ्लेशन फर्ज करो 20% है, तो अगले साल उसकी कीमत 120 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप आगे एक्सचेंज रेट 110 है तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी, ठीक है, तो वो 120 ही होनी पड़ती है। तो जिस तरह याद है डार साहब ने ख़राबी की थी, क्योंकि उन्होंने अब एक्सचेंज रेट को काबू किया। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो 225 पे जा रहा है और ये 209 था जो फ्राइडे को, तो 225 और 209 16 रुपये है, 16 रुपये, ये 3 दिन में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है ये डॉलर। अगर डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो मुल्क में महंगाई होगी। साबिक वज़ीरे ख़जाना शौकत अली मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा की। इससे पहले वज़ीरे ख़जाना मेफ्ता इस्माइल ने डॉलर की कीमत में तेज़ी से इजाफे की वजह मुल्क में जारी सियासी हलचल को करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ती दरामदात पर काबू पा लिया है, IMF से मुआहदा हो गया, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आ जाएंगे।